नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, और वो टॉपिक है कि गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें। कई लोग कहते हैं कि गुस्सा अपने आप आ जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और हम कसम भी खाते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे और फिर से आ जाता है गुस्सा। देखिए दोस्तों, गुस्सा वो अग्नि है, वो अग्नि है कि हमारे मन में जहर भरता है, हमारे प्यारे से प्यारे रिश्ते में जहर भरता है, हमारे ज़िंदगी को तबाह कर देता है। और गुस्सा करने वाला व्यक्ति हमेशा जलता रहता है। गुस्सा करने से पहले भी जलता रहता है, गुस्सा करते वक्त भी जलता है, गुस्सा करने के बाद भी जलता रहता है। तो फिर गुस्सा क्यों करते हैं हम, और क्या गुस्सा करने से हमें खुशी मिलती है? क्या हम जो चाहते हैं वो काम हमारा पूरा हो जाता है गुस्सा करने से? गुस्सा करना तो नहीं चाहते, लेकिन ऐसे कहते कि अपने आप हो जाता है। सोचिए दोस्तों कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी गाली गलौज कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? क्या हमें उसे रिप्लाई देना चाहिए? देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति का संस्कार, हर व्यक्ति की आदतें, हर व्यक्ति का रंग रूप दोष गुण सब अलग अलग होते हैं। सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, क्या हमें उसका रिप्लाई देना चाहिए? सिर्फ बोल रहा है वो, उसने हमें टच भी नहीं किया, उसने हमारी पिटाई भी नहीं की, वो बोल रहा है, और उसके बोलने मात्र से हम हाइपर हो जाते हैं। क्यों? मतलब उस व्यक्ति का हमारे ऊपर कंट्रोल है कि वो जब चाहे हमें गुस्सा दिलाए। मतलब हमारा रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के पास है, वो जब चाहे हमें गुस्सा दिलाए। तो क्या गुस्सा करना चाहिए? देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति कोई भी हैं, आपस में लड़ रहे हैं, वो उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो उसको बोल रहा है, किसको समझदार कहेंगे आप? क्यों? कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। और 2 मिनट के गुस्से में हम वो बातें बोल जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति हमेशा उस बात को याद रखता है कि उस दिन उसने मुझे ये बोला था, तो फिर हम क्यों बोलें? क्यों बोलें फिर हम वो बात? सिर्फ 2 मिनट का संयम रखना होता है दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट का अपने आप को ये बोलें कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो क्या फिर गुस्सा आएगा? दूसरी बात, हम कहते हैं कि गुस्सा अपने आप आ जाता है, तो फिर हम अपने से कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर ही गुस्सा क्यों करते हैं? हम अपने बॉस के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं करते? हम किसी पहलवान के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं करते? हम किसी पॉलिटिशियन पर या फिर किसी पुलिस वाले पर गुस्सा क्यों नहीं करते? इसका मतलब हमें पता है कि वहाँ गुस्सा करने से हमारा नुकसान हो सकता है, तो हम गुस्सा नहीं करते। तो इसका मतलब चॉइस है गुस्सा हमारा, हम करें या ना करें, तो फिर गुस्सा क्यों करें? हमें पता तो है कि गुस्सा करें या ना करें। तो फिर अब आप कहेंगे कि जी फिर तो हमारे घर में कुछ भी होता रहे, फिर हमें गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, गुस्सा वहाँ करना चाहिए
जिससे किसी का भला हो जाए। कोई बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, आपके घर में कुछ गलत हो रहा है, वहाँ गुस्सा करना ज़रूरी है। लेकिन गुस्सा भी दो प्रकार का होता है। एक गुस्सा तो हो गया कि आपका बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, आपने उसको डांटा, डांट के आप आगे बढ़ गए, उस बात को भूल गए, वो तो ठीक है। दूसरा हो गया, आपने उसको डांटा और आप खुद ही जलते रहते हैं उस अग्नि में, अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है, आप मेंटली वीक हो जाते हैं, वो गुस्सा गलत है। किसी के भले के लिए गुस्सा करना गलत नहीं है, किसी को रास्ता दिखाना गलत नहीं है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करना गलत है कि हम बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट करें। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी अग्नि है, एक ऐसे नरक के समान है जो हमेशा हमें जलाता रहता है। तो दोस्तों, आज ही इस बुरी आदत को छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, निकल जाइए इससे बाहर। तो आज के लिए इतना ही, और आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय, थैंक यू।